प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते शशुम। जमाते शशुम में नौवां सबक है अकलमंद औरत। इसका पहला दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में देखो यानी पार्ट थ्री में सलीम क्या होगा, सलीम की शादी। सलीम क्या है, बहुत ही बेवकूफ़ लड़का था जो हामिद का बेटा था। तो सलीम की शादी एक ज़ैनब लड़की से की गई थी, और ज़ैनब लड़की बहुत ही होशियार और चालाक थी, और सलीम क्या था, बहुत ही बेवकूफ़। इसी तरह आज हम इसका पार्ट थ्री पढ़ेंगे। सलीम चुप हो रहा है चालाक, सलीम क्या हो, चुप हो रहा है चालाक की बीवी ने साहब साफ साफ कह दिया कि किसी किस्म के कारोबार के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। यानी सलीम के दोस्त हामिद का इंतकाल के बाद क्या करें, सलीम के दोस्त सलीम से कई कारोबार करने के तरीके बतला रहे थे, क्योंकि वो बेवकूफ़ रहने की वजह से। इसी तरह सलीम की बीवी बहुत ही होशियार थी, तो कोई सा भी कारोबार करने के लिए एक पैसा भी नहीं दे रही थी। तो सलीम क्या होगा, चुप हो रहा है चालाक और ठग जो इस वक्त इसके दोस्त बन गए थे। कहने लगे कि ये तो बड़े शर्म की बात है, तुम कोई काम ना करो और तुम्हारी बीवी सारा काम करे। क्या बोल रहे, तुम कुछ भी काम मत करो, आपकी बीवी सारा काम कर लेगी, सारी दुनिया में बात मशहूर हो जाएगी और तुम किसी ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। क्या बोल रहे यहाँ पे, ये बात मशहूर हो जाएगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। ये बात सलीम के समझ में आई और इसने अपनी बीवी से जाकर कहा और बहुत सा रुपया कारोबार करने के लिए मांगा। तो क्या करे, दोस्तान चढ़ाने की वजह से सलीम चढ़ गए और अपनी बीवी से सारा कारोबार करने के लिए पैसे पूछे। लेकिन होशियार जीनत फौरन समझ गई कि इसे किसी ने बहका दिया। तो होशियार बीवी जो ज़ैनब है क्या करे, समझ गए इसको किसी ने बहका दिया, इसने साफ इनकार कर दिया। सलीम इसके इनकार करने पर बहुत गु़स्सा हुआ। क्या करे, पैसे मांगने से इनकार करने से सलीम को बहुत ही गु़स्सा हुआ और कहा कि मैं बेकार नहीं बैठ सकता। क्या बोल रहे सलीम, मैं बेकार तो नहीं बैठ सकता, मुझे काम करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम करना चाहिए। क्या बोले, मुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। क्या बोले सलीम, अगर मैं कारोबार करना चाह रहा हूं, मुझे पैसा नहीं दिए तो मैं क्या काम करूं, आप ही बताओ, बोल के ज़ैनब को बोल रहे। कौन सलीम, ज़ैनब क्या, जीनत ने हंसते हुए कहा कि तुम काम करना ही चाहते हो, एक गधा खरीद लाओ, इसे पालो फिर बेच डालो, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। क्या बोल रहे, तुम काम करना चाह रहे तो एक क्या लो बोल रहे, ज़ैनब नहीं बल्कि जीनत है। जीनत ने हंसते हुए कहा, तुम काम करना ही चाहते हो तो एक गधा खरीद कर लाओ, क्या खरीद कर लाओ बोल रहे, गधे को, और इसे पालो फिर बेच कर डालो, फिर फ़ायदा हासिल होगा हो जाएगा बल्कि जीनत बोल रहे। जीनत ने यह बात मजाक ही में कही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने देखा कि सलीम एक मोटा गधा ले आ रहा है। क्या करे, जीनत हंसते हुए कहा, लेकिन सलीम क्या करे, सही में भी एक मोटा गधे को लेकर आ रहा है। इसने अपनी बीवी को देखते ही कहा, इसने क्या करे, अपनी बीवी को देखते ही कहा, लो देखो कितना अच्छा गधा लाया हूँ। क्या बोले सलीम अपनी बीवी से, देखो मैं कितना अच्छा गधा लेकर आया हूँ। जीनत को अपने शोहर की बेवकूफ़ी पर बहुत तकलीफ़ हुई और इसने कहा, क्या करे, जीनत को अपने शोहर की बेवकूफ़ी पर बहुत ही तकलीफ़ होने लगी और कहा क्या बोल के, बहुत तकलीफ़ हुई और इसने कहा, मैंने तो मजाक में कही थी, जाओ इसे फौरन बेचाओ, मैं तो सिर्फ आपको मजाक में कही थी ये बात, जाओ फौरन इसको, इस गधे को बेच कर आओ, बोल के जीनत बोल रही। आखिर में जो ज़्यादा चालाक था, क्या करे, क्या बोले नो, जीनत मजाक में जा गधा खरीद कर लाओ और उसको पालो फिर बेचो, बोल के बोल, तो क्या करे सलीम सही में भी गधे को खरीद कर लाए। एक लाने के बाद क्या करे, जीनत फिर उसको बेचने के लिए कहा, देखो कितना अच्छा गधा लाया हूँ। जीनत को अपने शोहर की बेवकूफ़ी पर बहुत तकलीफ़ हुई और इसने कहा, मैंने तो बात मजाक में कही थी, क्या बोले जीनत, मैंने तो मजाक में कही थी, जाओ इसे फौरन बेचो, उस गधे को जाओ फौरन बेच कर आओ। सलीम फिर गधे को लेकर बाजार की तरफ निकला। कहाँ पे निकला, बाजार की तरफ निकला गधे को बेचने के लिए। दो ठगों ने इसे देखा, ठगों यानी इसके दो दोस्तों ने देखा और आपस में राय करने लगे कि किसी तरह इस गधे को हटाया जाए। आपस में दोस्तों क्या करे, इसको
इसको किसी भी तरह हमला क्या करना चाहिए, इस गधे को अपन छुड़ा लेना चाहिए। बल्कि हमला इसके दोस्त ना दो ठगों इसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि सलीम बाज़ार को बेचने ले जा रहा था। इसके बाद क्या होता है इंशाल्लाह अगले हिस्से में कल पढ़ेंगे।